हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। और आज आपका फिजिक्स के बेस्ट 200 जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, फिजिक्स की बेस्ट 200 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका आज फिफ्थ पार्ट है। ये है ना लास्ट पार्ट है जिसमें आज हम 40 आगे के क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट होगा, 161 से स्टार्ट होगा और 200 आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी एक बार और रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जिन्होंने पीछे के चार पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो उन्हें जा करके जरूर देखें, बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे स्पेशली जो थोड़ा बहुत फिजिक्स बैकग्राउंड से थे, पहले पढ़े हैं फिजिक्स, बस रिवीजन करना है, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज करें। ठीक है, और मैंने हर क्वेश्चन के साथ अगर उसमें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है कि उसको किस तरह से एक्सप्लेन करके सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो वो मैंने बढ़िया से डिस्कस किया है। आप ये 200 क्वेश्चंस अगर पढ़ते हो तो बहुत ही आराम से आपकी पूरी फिजिक्स एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी, है ना, इसकी मैं एश्योरिटी देता हूं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पीछे के चार वीडियोस जाके जरूर देखें। ठीक है, और ये फिफ्थ पार्ट है, शुरू करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थोड़ी सी और बात अगर बता दूं कि इसमें क्या क्या है, इस वाले जो पार्ट है इसमें बेसिकली मैं उस तरह के क्वेश्चंस लिया हूं जो अभी छूट गए हैं, जो क्वेश्चंस अभी छूट गए हैं पीछे, जो भी मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था आपको, चैप्टर वाइज टॉपिक ले रहा था कि पर्टिकुलरली 3-4 चैप्टर उठा करके 40 क्वेश्चन बना दिया, फिर 3 चैप्टर उठा के 40 क्वेश्चन बना दिया, देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन अभी कैसा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें मैं चैप्टर पे नहीं जा सकता, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा वहां से उतना ही क्वेश्चंस आते हैं, वही लेवल सेम कंसेप्ट, थोड़ा सा बदल देंगे, उसी में से कुछ नंबर्स बदलते जाएंगे और चीजें पूछते जाएंगे, उसके अलावा कभी नहीं पूछेगा। तो वो चीजें मैंने डिस्कस की है। एंड इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लिया हूं, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं यूज किए हैं, कि कॉमन इंस्ट्रूमेंट आपको भी पता है, आपने भी कई बार प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके उन्हें पढ़ चुका है या कहीं ना कहीं आप क्विजेज में देखते हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लिया हूं यहाँ पे, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन लगभग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट हैं इंस्ट्रूमेंट, वो आपने शायद ही आप उनके बारे में जानते हो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब नए इंस्ट्रूमेंट पूछने की आप उम्मीद ज्यादा रखिए कि वही घिसे पीटे पुरानी चीजें नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा नया चीज पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट शुरू करेंगे, ज्यादा आज एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है, जहां पे एक्सप्लेन करने जैसा होगा मैं कर दूंगा, जहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसका मतलब है कि वो उतना ही है, उसको थोड़ा सा आपको वहां पे याद रखना होगा, उस चीज को अपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा इन द सेंस कि है रटने वाला ही है, आपको ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम। तो वो कौन थे, वो यहाँ पे एग्जाम्पल है होमी जहांगीर भाभा का, है ना, विक्रम साराभाई का एंड राजा रमन्ना का है यहाँ पे ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है पीके आयंगर का। ठीक है, पीके आयंगर का यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये आंसर क्या होगा, आंसर की परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक के विकसित किसने किया था, इसको विकसित डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। किसने किया था, होमी जहांगीर भाभा ने भी इसकी तकनीक की खोज की थी, बेसिकली जो न्यूक्लियर से रिलेटेड था, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मतलब जितनी भी चीजें शुरू में न्यूक्लियर से रिलेटेड जो बनी, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो सेटअप हुए, है ना, तो इन्हीं के अंडर में सेटअप किए गए थे। ठीक है, इनके उनको नॉलेज था काफी, है ना, न्यूक्लियर के बारे में, तो इन्होंने ही किसका डेवलप किया, है ना, कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो डेवलप की, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो टेक्नोलॉजी है उसे इन्होंने ही डेवलप की थी, होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि वॉट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वॉट इज फाउंड कॉन्स्टेंट इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है, है ना, हमें क्या प्राप्त होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है, पहला फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, क्या नियत आवृत्ति या नियम आयाम, है ना, फिक्स्ड नियत आयाम या नियत आयाम, फिक्स्ड डायमेंशन या चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन या चेंज इन डायमेंशन ओनली, केवल आयाम में परिवर्तन। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, क्या होता है, हमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, क्या मिलती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, हमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है। अच्छा, इसी तरह अगर यहां पे पूछता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर यहां पे पूछता है एम्पली
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर पूछता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसमें क्या फिक्स्ड होता है, तो उसमें आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है उसमें, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव होती है जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। उसके ऊपर क्या रखा जाता है, मॉड्यूलेटिंग वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है कैरियर वेव के ऊपर उसे सुपर इम्पोज किया जाता है और उसी के थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। तो यही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन लाता है, ठीक है। इतना इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, ठीक है। बहुत सिंपल सा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हर बार पूछा गया है, हर एग्जाम में हर सेट में ये आ जाता है, ठीक है। बहुत कॉमन है, इतना कॉमन कि आपको तुरंत आप देखते ही हाइग्रोमीटर बिना कुछ सोचे टिक मारते हो, ठीक है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी एक भी बच्चा अगर कोई रह गया है जिसे इसके बारे में नहीं पता है कि द वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है, या मैं कहूँ कि रिकॉर्ड करने वाला ऐसा उपकरण जो क्या नापता हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नापता हो, एयर की सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापता हो, वो क्या है, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कि द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी आकाश गंगा है, उसका शेप क्या है। तो पहला है सर्कुलर, वृत्ताकार, मतलब कि क्या वो सर्कल है, वृत्त है, या वो इलिप्टिकल है, या वो इलिप्टिकल है, या वो क्या है, स्पाइरल है, क्या वो इस तरह से कुछ स्पाइरल है गैलेक्सी हमारी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा होगा कहीं ना कहीं एक गैलेक्सी की फोटो, हमारी गैलेक्सी किस तरह है, हमारी जो आकाश गंगा है वो स्पाइरल है, किस तरह है, हमारी आकाश गंगा स्पाइरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, कि पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, पिक्नोमीटर नामक एक उपकरण क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है घनत्व, दूसरा है सौर विकिरण की तीव्रता, तीसरा है भूकंप की तीव्रता, चौथा है उच्च तापमान। तो क्या नापता है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर नापता है घनत्व, क्या नापता है, डेंसिटी नापता है, ये याद रखेंगे। पिक्नोमीटर क्या नापता है, घनत्व नापता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन नहीं नापता, अर्थक्वेक नहीं नापता, ना ही हाई टेम्परेचर, क्या नापता है, घनत्व को नापता है, डेंसिटी नापता है पिक्नोमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का कई बार पूछा गया है कि पिक्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, कि सुपर कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स, अतिचालक वे तत्व हैं, वो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखी है कि जो हम सुपर कंडक्टर्स किन्हें कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स किन्हें कहेंगे, है ना, अतिचालक किसे कहेंगे, हुज कंडक्टिविटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है। बी ऑप्शन है हुज रेजिस्टेंस फॉल्स ऑलमोस्ट टू जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। सी ऑप्शन है विच टर्न इनटू इंसुलेटर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, विच टर्न्स इनटू इंसुलेटर्स एट वेरी लो टेम्परेचर, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली एट सुपर हाई टेम्परेचर, जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, अगर आप बिना पढ़े भी अगर इसको सॉल्व करें तो क्या ऑप्शन होगा, लगभग कि रेजिस्टेंस जीरो होगा, तभी तो हम कहेंगे यार कि वो सुपर कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर क्या है, चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा बड़े आसानी से प्रवाह हो सके, है ना, इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो सके उस पर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट उस पर फ्लो हो रही है तो क्या होगा, कि कोई भी वायर है, तार है, उसका कुछ प्रतिरोध होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो कि उसको फ्लो होने से थोड़ा बहुत रोकता है। तो भाई सुपर कंडक्टर या ऐसी धातु हो जाए, है ना, ऐसा चालक हो जाए, अति चालक ऐसा मिले यार कि उसका कुछ रेजिस्टेंस हो ही नहीं, उसका कुछ प्रतिरोध हो ही नहीं, है ना, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और उससे इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो होती रहे, हमेशा फ्लो होती रहे, तो उस तरह का कुछ अगर आप सोचते हैं तो आप डायरेक्ट इसका बी ऑप्शन ही टिक करेंगे, कि हुज रेजिस्टेंस फॉल्स ऑलमोस्ट जीरो, जिसका प्रतिरोध बहुत शून्य तापमान पर लगभग शून्य हो जाता हो, वेरी लो टेम्परेचर पर, है ना, लगभग वेरी लो टेम्परेचर मतलब कि एकदम केल्विन में, माइनस में, केल्विन में टेम्परेचर, एकदम माइनस में भी, लेकिन माइनस में डिग्री सेल्सियस नहीं, और ज्यादा माइनस केल्विन में अगर टेम्परेचर होगा, है ना, तब ये
हम कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस हो जाए कुछ मेटल्स के ऊपर, है ना, स्टडी ये की गई है तो, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स का हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ नंबर की अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। सॉरी यहाँ पे ये एट नंबर है शायद आपका क्वेश्चन, ओके ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, इसको क्या कहते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए डिवाइस क्या यूज होती है, डिवाइस होती है रेक्टिफायर यूज होता है। क्या यूज होता है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का यूज किया जाता है बेसिकली। ये क्या है, एक ये पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, पीएन जंक्शन डायोड जिसे कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है, है ना, और इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं या दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त तो जो साधन है, ठीक है। तो क्या है, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, इंडक्शन कॉइल भी नहीं है, प्रेरण कॉइल भी नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे तेल लिखा हुआ है, कॉइल है वो, ठीक है, एंड डायनमो भी नहीं है। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस में क्या है, एसी इनटू डीसी को कौन कन्वर्ट करता है, एसी से अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर का प्रयोग किसको, किसके मापने में किया जाता है ना, किस चीज को मापने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है वेलोसिटी और चौथा है तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। तो इसका क्या नापने में यूज किया जाता है, बोलोमीटर का तापमान नापने में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बेसिकली रेडिएंट हीट नापने में, क्या, रेडिएंट हीट एनर्जी, रेडिएंट हीट एनर्जी नापने में। लेकिन यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी टाइप का कुछ नहीं है, है ना, यहाँ पे रेडिएंट हीट एनर्जी टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन टेम्परेचर टाइप का चीज लिखी हुई है। तो हम इसमें क्या मार्क करेंगे, टेम्परेचर नापने में बोलोमीटर का यूज किया जाता है। बोलोमीटर का यूज क्या, क्या किस चीज में किया जाता है, टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो बता रहा हूँ थोड़े सॉरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, न्यून तापमान पैदा करने के लिए सॉरी न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, है ना, जूल केल्विन इफेक्ट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, अतिचालकता या जल केल्विन प्रभाव या ताप वैद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विचुंबकन या एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो क्या होता है, लो टेम्परेचर्स प्रोवाइड करने के लिए, लो टेम्परेचर्स प्राप्त करने के लिए, न्यून तापमान पैदा करने के लिए क्या यूज होता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का। ये होता क्या है कि जैसे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे मेटल्स का नाम आएगा, क्या, रेयर अर्थ मेटल्स, है ना, इनको क्या किया जाता है, इनको चुंबक के बीच में रखा जाता है। किसके बीच में रखा जाता है, चुंबक के बीच में रखा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, इसमें चुंबक के बीच में रखा जाता है। तो जब चुंबक को रखा जाता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में इनका तापमान बढ़ने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में इनका तापमान बढ़ने लगता है, और चुंबक हटाने पर इनका तापमान क्या होता है, बहुत तेजी से घटने लगता है, बहुत तेजी से घटने लगता है। और उसी प्रक्रिया से हम क्या क्रिएट कर पाते हैं, लो टेम्परेचर्स क्रिएट करते हैं, न्यून तापमान हम क्रिएट कर पाते हैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यही मतलब होता है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देन मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया, फिर उसको रखा, फिर उसको हटा लिया, ठीक है। तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इसे कहते हैं, है ना, रुद्धोष्म विचुंबकन इसी प्रक्रिया को कहते हैं, और इसी से लो टेम्परेचर हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है,
ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे काम करता है या म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, इसे क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है या स्वप्रेरण पे काम करता है, या अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे या जनरेटर पे या इन्वर्टर पे, या इन्वर्टर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, है ना। ट्रांसफार्मर होते किस तरह के हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उनमें क्या होता है, कॉइलिंग होती है बेसिकली, इस तरह की कुछ कि इस तरह से कॉइलिंग दिखाया जाता है कहीं पे अगर इस तरह का बना हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है ये, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें कॉइलिंग से बेसिकली पता चलता है कि कब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कब वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें दो इंडक्शन कॉइल यूज हो रही हैं, दो इंडक्शन कॉइल यूज हो रही हैं, या इंडक्टर्स कहें आप, है ना, स्पाइरल शेप की, ऐसे स्पाइरल शेप की आपने देखा होगा, कॉइल्स आती हैं, स्पाइरल शेप की कॉइल्स आती हैं, उन्हें इंडक्टर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो इस तरह की इंडक्टर्स कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका भी इंडक्शन होता है, इसका भी इंडक्शन होता है, उन दोनों कॉइल्स का इंडक्शन होता है, उसी को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, या अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 कि लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किससे बनता है, जो लेंस होता है वो किससे बना होता है। तो ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, ये किससे बना होता है, फ्लिंट कांच से बनता है, फ्लिंट ग्लास से बनता है। यहाँ पे पाइरेक्स ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास या कोबाल्ट ग्लास है, ये सारी चीजें नहीं बनती हैं। लेंस किससे बनाया जाता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस मैं कहूं, तो ये सारी चीजें किस तरह के लेंस से बनती हैं, किस तरह के ग्लास से बनती हैं, किस तरह के कांच से, किस तरह के ग्लास से लेंस बनाते हैं, तो क्या है, फ्लिंट ग्लास, ठीक है। कॉमन सा है, लगभग पता भी होना चाहिए काफी बच्चों को, ठीक है। तो क्या बनता है लेंस, फ्लिंट ग्लास से बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नाइट फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग, रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है, है ना। कोहरे में, कोहरे या कुहासे में रात में फोटोग्राफी करना है ना, किसके प्रयोग से संभव बनाया जा सकता है। नाइट फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, है ना, बाई यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणों से, या तो इंफ्रारेड रेडिएशन से, बी ऑप्शन अवरक्त विकिरण, या माइक्रोवेव रेडिएशन, सूक्ष्म तरंगी विकिरण से, या गामा विकिरण, गामा रेडिएशन से, ठीक है, गामा रेडिएशन से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण से, इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण से क्या संभव है, फॉग या मिस्ट में नाइट फोटोग्राफी। बेसिकली क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं, बेसिकली एक तरह की ये ऊष्मीय विकिरण है, हीट रेडिएशंस हैं, है ना, ऊष्मीय विकिरण है ये। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, जब ये किसी वस्तु पे पड़ती हैं फॉग में, कोहरे में, तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, और उस कारण से हम उस वस्तु की फोटो खींचना संभव हो पाता है ना। कोहरे या फॉग या मिस्ट में, है ना, कोहरे या कुहासे में क्या होता है, उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण से थोड़ा वहां पे कोहरा हट सा जाता है, वो वस्तु दिखती है और आसानी से क्या है, उसकी फोटो ले सकते हैं, फोटोग्राफी वहां पे संभव है, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 13th देखते हैं कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज, है ना, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि, है ना, अगर कहीं पे बिजली के द्वारा आग लगी हुई है, बिजली के कारण वहां पे आग लगी है, तो कभी वहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए उसको बुझाने के लिए। क्यों, उसका ऑप्शन है कि इट में कॉजेज इलेक्ट्रोक्यूशन, उसे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इट में कॉज हाइड्रोलिसिस, उसे जल अपघटन हो सकता है, इट में कॉज इलेक्ट्रोलिसिस,
उसे विद्युत अपघटन हो सकता है, इट में स्पॉइल द वायरिंग, उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट में कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, इट में कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन का ये मतलब है कि जैसे कि अगर कहीं पे बिजली से लगी हुई आग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के पास से बिजली का तार गया और उस बिजली के तार के कारण क्या है, उस घर पे आग लगी हुई है, वो कहीं पे छू गया, कहीं पे आग लग गई और आग लगी है, आप क्या करोगे, आप जाओगे बाल्टी में पानी लेकर या किसी भी चीज में, है ना, पानी लेकर के आपने उस आग में डाला तो क्या होगा, उससे आपको करंट लगेगा, उससे आपको बहुत बड़ा करंट का झटका लग सकता है जिससे आपकी डायरेक्ट डेथ हो सकती है ना, आप डायरेक्ट आप मर सकते हो उस चीज से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, उसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब वही झटका लगना है ना, बिजली का एक जोरदार झटका लगना अगर उसी आग में आप पानी डालते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है ना, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, है ना, हाईली डायरेक्शनल हो, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन है इरेजर, है ना, ग्रेजर, मेजर या लेजर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेजर, है ना, लेजर टेक्नोलॉजी, सभी लोगों ने लेजर लाइट देखी होगी, छोटी सी आती है इतनी बड़ी सी, है ना, तो वो लेजर लाइट क्या है, हाईली डायरेक्शनल होती है, जब आप कभी लेजर लाइट जलाओ तो आप देखते हो दीवार पे या कहीं पर भी एक छोटी सी क्या बनती है, एक स्पॉट बनता है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना दिया है ना, रेड कलर का स्पॉट, इस तरह का कुछ आपको लेजर लाइट से देखने को मिलता है, तो वही कारण है कि वो क्या होता है, अत्यंत दिशिक होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, तो वो क्या है, है ना, उस तरह की लाइट बीम को क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको, लेजर बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म उसका फुल फॉर्म बताऊं कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या फॉर्म होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर किसी को जानना है, है ना, कभी उसके दिमाग में आए कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो इसको याद कर सकता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15th क्वेश्चन अपना देखते हैं कि माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, करंट सिग्नल, ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, साउंड सिग्नल इंटू लाइट सिग्नल, या लाइट सिग्नल इंटू साउंड सिग्नल, प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन बेसिकली अगर आप थोड़ा सा सोचें कि जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन हमारे फोन में लगा होता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि आपका फोन आ रहा है और आपने फोन उठाया, आपने कहा हेलो, ठीक है, आपने एक ध्वनि प्रोड्यूस की, है ना, आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया, आपने कहा हेलो, ठीक है, हेलो बोला, तो सामने वाले को क्या हुआ, जो भी जिसने भी आपको कॉल लगाया था उसे सुनाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने यहाँ से धीमे से हेलो बोला और 100 किलोमीटर पे भी आपकी आवाज़ पहुँच गई। ठीक है, वो किस तरह से जाएगी, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आवाज़ पहुँची होगी, लेकिन शुरू में आपने क्या बोला, आपने एक ध्वनि वहाँ पे उत्पन्न की, वहाँ पे क्या किया, एक साउंड सिग्नल प्रोड्यूस किया। ठीक है, वो साउंड सिग्नल किस में बदला, वो साउंड सिग्नल बदला धारा सिग्नल में या करंट सिग्नल में बदला। तो माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल, सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कि माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर कि व्हेन टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स पी टाइप एंड एन टाइप आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट दे फॉर्म पीएन जंक्शन विच एक्ट्स लाइक एन, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है, कंडक्टर के रूप में, चालक के रूप में, या ऑसिलेटर के रूप में, दोलित्र के रूप में, या दिष्टकारी के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, या एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में उसका किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है, वो
सॉरी किस तरह से वो काम करती है, तो वो किस तरह से काम करती है, रेक्टिफायर के तौर पे काम करती है। पीएन जंक्शन डायोड सब मैंने पीछे भी बताया है अभी, है ना, क्या करते थे एसी को डीसी कन्वर्ट करने में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में हम क्या यूज कर रहे थे, रेक्टिफायर का यूज कर रहे थे। और वो क्या था, वो पीएन जंक्शन डायोड है ना, इसको ये पी टाइप जो अर्धचालक है ना, उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड ये होता है, इसको रेक्टिफायर में यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और ये पी टाइप को बता रहा है और ये एन टाइप को बता रहा है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है, डायोड बनता है। और उस डायोड को क्या कहते हैं, उसको हम रेक्टिफायर बोलेंगे, ठीक है ना। वो किसकी तरह काम करेगा, वो किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह किस रूप में कार्य करेगा, विच एक्ट्स लाइक एन रेक्टिफायर या दिष्टकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, है ना, एक्स रेज, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जीएम काउंटर का या साइक्लोट्रॉन का या ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी या मास स्पेक्ट्रोमीटर का, है ना, तो इसमें किसका यूज किया जाता है, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो एक्स किरणें हैं उनका तरंग दैर्घ्य नापने के लिए ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं कि इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट नेम इज गिवन टू अ हाइपोथेटिकल होल इन आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी एमर्ज, खगोल भौतिकी में बाह्य में अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है, खगोल भौतिक में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलते हैं क्या नाम दिया गया है, ब्लैक होल नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें तो सारी चीजें समा के नष्ट हो जाती हैं, ऐसा हमने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है कि ब्लैक होल क्या है, सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सारे स्टार्स प्लैनेट बड़ी बड़ी गैलेक्सी सब ब्लैक होल के अंदर समा सकती हैं, ओजोन होल नहीं, और एस्टेरॉयड बेल्ट ये तो बिल्कुल नहीं, एस्टेरॉयड बेल्ट तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है ना, उससे तारा तो उससे कहीं बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या आंसर है इसका, वाइट होल, है ना, एक ये हाइपोथेटिकल क्या है, ये हाइपोथेटिकल एक तरह का होल है, एक परिकल्पित होल है ये, है ना, परिकल्पित छिद्र है, हाइपोथेटिकल होल है ये वाइट होल, जहां से क्या हम सोचते हैं, क्या हमने ये थ्योरी बनाई है कि वहां से तारे निकलते हैं या ऊर्जा निकलती है, जहां से तारे और ऊर्जा निकलते हैं, तो क्या आंसर होगा, वाइट होल इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं कि द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट्स टू द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है, कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है, द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट्स टू द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड, फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्ती, हाइड्रोट्रॉपिक जलानुवर्ती, फोटोटैक्टिक प्रकाशानुचलित, थर्मोटैक्टिक तापानुचलित, तो क्या आंसर होगा इसका, फोटोट्रॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक या फोटोटैक्टिक या थर्मोटैक्टिक में से होगा इसका आंसर प्रकाशानुवर्ती या फोटोट्रॉपिक। बेसिकली फोटोट्रॉपिक होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई पौधा लेते हैं, कोई मैंने एक यहाँ पे पौधा लिया, ठीक है, ये एक मैंने पौधा लिया, तो पौधा में क्या है, इधर तरफ से कभी उस पर धूप नहीं पड़ेगी, इधर से क्या होगा, सूरज की किरणें इस पर पड़ेंगी, ठीक है, इस पर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, ये जो पौधा है तो पौधे की जो ग्रोथ है वो किधर होती जाएगी, वो किधर ज़्यादा होगी, जिधर उसे ज़्यादा लाइट मिलेगी, मतलब वो सूर्य के प्रकाश की ओर खींचेगा,
सूर्य के प्रकाश की ओर खींचेगा, और इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, प्रकाशानुवर्ती मूवमेंट, है ना, इसी को कहते हैं प्रकाशानुवर्ती या फोटोट्रॉपिक। तो वही यहाँ पे भी लागू होगा, वही यहाँ पे भी होगा कि कुछ जैसे देखा होगा आपने पतंगे या कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं, नव दुर्गा के टाइम में आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कीड़े आते हैं छोटे छोटे काले काले, और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं, वो लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना जब ठंडी शुरू हो रही होती है, तो उसको क्या कहेंगे, उसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, उसे लोकोमोशन या मूवमेंट क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक या प्रकाशानुवर्ती गमन कहेंगे, ठीक है, प्रकाशानुवर्ती गमन या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसमें चलिए 20 क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, यदि प्रतिरोध आर के एक तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे हिस्से तक फिर से स्थापित किया जाता है, मतलब कि एक वायर थी एल लंबाई का और अभी उसको क्या करके पिघला करके एक नया वायर में बदला गया जिसकी लंबाई हो गई आधी एल बाई टू, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये एरिया होती है, एरिया किसका होती है, क्रॉस सेक्शन की, मतलब कि ये वायर का एक क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसकी एरिया, और ये वाला वायर होगा, तो इसका समझ लीजिए ए वन रही होगी, इसकी क्या हो गई ए टू, ठीक है, इसकी ए टू हो गई, तो इसमें बोल रहा है नया प्रतिरोध क्या होगा, पिघला जाता है और उसकी लंबाई के आधे हिस्से तक फिर से स्थापित किया जाता है, ठीक है, आधे हिस्से तक स्थापित किया जाता है, तो अभी बोल रहा है कि जो आर है नया प्रतिरोध है वो कितना हो गया होगा, ठीक है, तो पहले देखिए एल लंबाई कितनी थी, एल थी, एल लंबाई थी, ठीक है, नया लंबाई कितनी हो गई, नई लंबाई आधी हो गई, नई लंबाई कितनी हो गई, आधी हो गई, तो अगर मैं आर वन पहले था रो एल अपॉन ए था, ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं बदला, इसमें क्या बदला, सिर्फ लंबाई बदली, सिर्फ क्या बदली, लंबाई बदली, बाकी सारी चीज़ें बराबर रखी, और फिर क्या है R2, R2 में बोला कि रो रजिस्टिविटी ये तो सेम है, ये क्योंकि ये तो मेटल की होती है, इसे क्या कहते हैं रजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसे रजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगी, ठीक है, रो और एल कितना होगा, एल अब नया एल जो है वो एल बाई टू हो गया, एरिया क्या है, एरिया भी ए ही है, एरिया को नहीं बोला है कि कुछ बदला है, यदि प्रतिरोध आर के एक तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे हिस्से तक फिर से स्थापित किया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, है ना, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इससे, बेसिकली एल बाई टू हो जाएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जो पुराना वाला था आर वन बाई टू, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन यहां पे, कि व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज ट्रिपल्ड विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है ना, ट्रिपल कर दी जाती है ना, ट्रिपल्ड कर दी गई है, तीन गुनी कर दी गई है, क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, है ना, और कुंडलों की जो संख्या है कुंडली में उनको तीन गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी प्रेकत्व कितना होगा, उनका प्रेकत्व कितना होगा या सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, है ना, मेन क्या है सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है कॉइल का, ठीक है, उस कॉइल का, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई कॉइल थी, ठीक है, इस कॉइल को क्या कर दिया गया, तिगुनी कर दिया गया, तिगुना इनको नंबर को बढ़ा दिया गया, इस कॉइल के नंबर को क्या किया, जो इसके नंबर स्पाइरल लूप्स थे, जो इसके स्पाइरल थे, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉइल थी उसके नंबर ऑफ टर्न्स उनको क्या कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया, कुंडलों कुंडली के जो कुंडले थे उनको तिगुना कर दिया गया, तो पूछा सेल्फ इंडक्टेंस या प्रेरकत्व, प्रेरक सॉरी इसको जो भी कह रहे हैं आप, प्रेरकत्व या सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, मैं इसको सेल्फ इंडक्टेंस ही कहूंगा, ठीक है, हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी सॉरी है, सेल्फ इंडक्टेंस ही कहूंगा मैं, इंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई बाई टू एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट पाई बाई टू एन स्क्वायर, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट पाई बाई टू, इसको म्यू कहते हैं, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है,
म्यू नॉट, ये आप एक फॉर्मूला जान लीजिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, और ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है उस इंडक्टर में, वो जो इंडक्टर है उसमें कितने टर्न है, एक दो तीन दो पांच, जैसे इसमें पांच टर्न है ना, तो एन क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, लेकिन अगली क्या हो गई, अगले में 15 हो गए टर्न, अगले में टर्न क्या हो गए, 15 हो गए। तो वही बोला है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को तिगुना कर दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितने गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा या क्या होगा उसमें, ठीक है, तो वो चीज देखेंगे। तो जैसे अभी n था, ठीक है, अभी ये मैंने फॉर्मूला लिखा है n स्क्वायर, इतना मैं हटा दूं क्योंकि इतना तो कांस्टेंट है, इतना तो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो इतना तो बदलने से रहा। तो यहां पे अगर मैं ये लिखूं कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो L1 पहले वाला, L2 नया वाला, L1 मतलब N1 पहले वाला कितने नंबर ऑफ टर्न थे, N2 में कितना हो गया 3N1, है ना, तीन गुना बढ़ा दिया गया उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर, सॉरी N1 स्क्वायर अपॉन 9N1 स्क्वायर, ठीक है, यहां से N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर काट दीजिए, L2 कितना आ जाएगा, ये 9 को उधर ले जाइए, 9 ऑफ L1, मतलब 9 गुना सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या बढ़ जाएगा, प्रेरकता कितना बढ़ जाएगा, सेल्फ टाइम 9 टाइम्स बढ़ जाएगा या 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, 9 L1 मतलब 9 गुना क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया, अगर कॉइल का जो जो मतलब उसके स्पाइरल्स थे उनको 3 गुना बढ़ा दिया गया, कुंडलों की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया गया, तो इंडक्टेंस कितना बढ़ गया, 9 गुना हो गया, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे 22nd क्वेश्चन देखते हैं कि एन अपैरेटस यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड, आवेशित कणों को तेज करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, अपैरेटस यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, क्या कहा जाता है उसको, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है ना, बेसिकली कुछ इस तरह का ये होता है ना, डी शेप में इस तरह का कुछ साइक्लोट्रॉन होता है, कुछ इस तरह से डी शेप में, और इसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल इस तरह से क्या करता है, इसमें स्पीड से एक्सेलरेट करता है, और एक यहां पे क्या होता है, विंडो होता है जहां से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, दो डी शेप का, इसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये डिवाइस यूज होती है किसमें, आवेशित कणों को तेज करने के लिए, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, है ना, चार्ज पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह, स्पेशली अल्फा पार्टिकल्स, है ना, जिसे हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है, अल्फा चार्ज पार्टिकल्स, है ना, इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स को क्या करने जाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, है ना, एकदम तेज करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है ना, कणों को तेज करने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, ओके। चलिए 23rd है, थोड़ा सा ये अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स लगभग हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, थोड़े बीच में कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, सबको आपको याद रखना है, और सब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी नापने के लिए, है ना, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में क्या नापने के लिए, कोणीय दूरी नापने के लिए, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी नापने के लिए क्या ये किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह का उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सेक्सटेंट, क्या कहते हैं, सेक्सटेंट इसको कहते हैं, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन में और भी है, एंगुलर मीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्रोनोमीटर या एंगुलर गेज, एंगुलर गेज है ना, कोणीय गेज या कोणीय मीटर या क्रोनोमीटर, ये सारी चीजें क्या है, एंगुलर, देखिए यहां से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, एंगुलर मीटर से भी, एंगुलर गेज से भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपको याद रखना है क्या सेक्सटेंट होता है, सेक्सटेंट क्या करता है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच की एंगुलर डिस्टेंस नापने के लिए, कोणीय दूरी नापने के लिए, है ना, किसी भी सब्सटेंस की क्या नापने के लिए, कोणीय दूरी नापने के लिए क्या यूज होता है, सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण, है ना, सबका यहाँ पे फिगर बना हुआ है ना, मैंने लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, लगभग जितना पॉसिबल हो पाया है कि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिले कि वो किस तरह से दिखता है, इससे हमें थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार आ जाती है ना, फिगर वगैरह अगर हम देख लेते हैं तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है,
क्या है, सीस्मोग्राफ है, पेरीस्कोप है, क्रेस्कोग्राफ है या पिक्नोमीटर है। तो क्या है इसका आंसर, सीस्मोग्राफ भी नहीं है, पेरीस्कोप भी नहीं है, पिक्नोमीटर भी नहीं है, क्रेस्कोग्राफ। क्या कहते हैं इसको, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कोई फालतू के मैंने नहीं लिए हैं, वही लिया हूं कि जो इंपॉर्टेंट है प्लस आप उन्हें नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेस्कोग्राफ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, है ना, कुछ इस तरह का होता है और ये प्लांट्स के ग्रोथ को मेजर करने में यूज किया जाता है, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। चलिए 25th क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन इज कॉल्ड, समुद्र की गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कहलाता है, फैथोमीटर, बाइनोक्यूलर्स, कैलिपर्स या पेरीस्कोप। क्या कहते हैं इसको, फैथोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, फैथोमीटर कहते हैं, जिनमें हम समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसे समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं, फैथोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैथोमीटर इसको कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एन अपैरेटस यूज्ड इन सबमरीन्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी कि एन अपैरेटस यूज्ड इन सबमरीन्स फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग अबव द सी लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर, पनडुब्बियों में पर्यवेक्षक की आंखों के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहा जाता है, पेरीस्कोप, कार्बोरेटर, बैरोग्राफ या बाइनोक्यूलर्स। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पेरीस्कोप, कार्बोरेटर, बैरोग्राफ या बाइनोक्यूलर, दूरबीन, बैरोग्राफ, कार्बोरेटर या पेरीस्कोप। तो इसको क्या कहा जाता है, पेरीस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीस्कोप कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे कि सबमरीन बनी हुई है और यहाँ से क्या, सबमरीन पानी के नीचे है लेकिन उसको पानी के ऊपर देखना है, तो कुछ इस तरह की दूरबीन टाइप का उस सबमरीन से लगा हुआ है, उस तरह सबमरीन से एक दूरबीन टाइप का लगा हुआ है जिससे कि सबमरीन में बैठा आदमी क्या करेगा, इस दूरबीन से क्या देख पाएगा, पानी के सतह के ऊपर की चीजों को देख पाएगा, उसे क्या कहेंगे, पेरीस्कोप कहते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हम पेरीस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप, ओके। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन लेने का मेन मकसद ये था कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, दो ऑप्शन में, बैक्यूरल में कंफ्यूजिंग है एंड क्यूरी में कंफ्यूजन है, क्यूरी और बैक्यूरल में कंफ्यूजन है हमें रेडियो धर्मिता को लेके, रेडियो एक्टिविटी को लेकर के, ठीक है। हम अक्सर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बैक्यूरल और किसमें, क्यूरी में। तो यहां पे मैं बताऊं इसका आंसर जो है वो तो है बैक्यूरल, ठीक है। तो क्या है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, वो खोज बैक्यूरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी के। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है, जो नाम है, कॉइंड बाई, है ना, मतलब किसने ये नाम दिया, किसने ये नाम दिया रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता, तो उसका आंसर जो होता है वो होता है क्यूरी, उसका आंसर क्यूरी होता है, तब आप क्यूरी मार्क करेंगे। तो यही कंफ्यूजन है कि क्यूरी और बैक्यूरल कब मार्क करेंगे, ठीक है। कई जगह पे आप देखोगे या कहोगे कि सर क्यूरी ऑप्शन है या बैक्यूरल ऑप्शन है, तो आप याद रखेंगे कि डिस्कवर बैक्यूरल ने किया था, डिस्कवर बैक्यूरल ने किया था, लेकिन ये नाम है ना, जब बैक्यूरल ने डिस्कवर किया था तब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी उसको नाम नहीं दिया था, उन्होंने बस उस चीज को खोज किया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिके हो रहे हैं, जो जिनका क्षरण हो रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं उन्होंने खोज किया। लेकिन बाद में मैडम क्यूरी ने उस पर रिसर्च की और जब उन पार्टिकल्स को उन्होंने देखा कि वहां से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज निकल रही हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी टर्म क्वाइंड बाई मैडम क्यूरी एंड रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई बैक्यूरल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाई, दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को किससे निर्धारित किया जाता है, दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को किससे निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा उस डिवाइस की फोटो बनी हुई है, बहुत सुंदर सी उस डिवाइस की फोटो बनी हुई है कि टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाई मर्कुरी थर्मोमीटर, पारा थर्मोमीटर या गैस थर्मोमीटर या पाइरोमीटर या कलर थर्मोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइरोमीटर इसका आंसर होगा, क्या होगा, पाइरोमीटर इसका आंसर होगा। ये पाइरोमीटर डिवाइस है, ये क्या है, पाइरोमीटर डिवाइस है, इस तरह का कुछ ये दिखती है पाइरोमीटर। इससे हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज, है ना, दूर के चमकदार पिंडों
को जो तापमान है ना, उनका जो टेम्परेचर है वो तापमान, इससे हम निर्धारित कर पाते हैं। ये पाइरोमीटर डिवाइस है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पाइरोमीटर या किस में यूज किया जाता है, डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज का टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, उनका टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे एक और सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है आपके सामने, है ना। तो इसको क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लक्स मीटर, कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर। अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, तीनों हमको पता है सर, तीनों बहुत इजी सी चीज है, तीनों बहुत इजी सी चीज है। अगर हमें लक्स मीटर नहीं भी पता होता तो हमें कैलोरीमीटर हमें पता है, कैलोरीमीटर भी हमें पता है, हमें एनीमोमीटर भी पता है, हमें एल्टीमीटर भी पता है, ठीक है। तो हम आंसर क्या होगा, लक्स मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लक्स मीटर इसका आंसर हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजरमेंट करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश कितना तीव्र है, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं वो क्या है, लक्स मीटर यूज करते हैं ना। कुछ इस तरह का लक्स मीटर आपका दिखा करता है, कुछ इस तरह की डिवाइस है जिसे हम लक्स मीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 30 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा केपलर्स के थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। केपलर्स का थर्ड लॉ सिंपल सा मैं बता दूं तो बताता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का होल क्यूब। ये है केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ ये कहलाता है, केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। टाइम पीरियड टी यहां पे क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है किसी भी प्लैनेट का, प्लैनेट्स का। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी कहते हैं इसको, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहते हैं या थर्ड लॉ कहते हैं। ये क्या है, टाइम पीरियड है उस प्लेनेट का रिवॉल्यूशन का प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर मतलब कि ऑर्बिट की रेडियस है ना, उसके ऑर्बिट की रेडियस। तो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन प्लेनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r विल बी। किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि है, किसी ग्रह की त्रिज्या आर के कक्षा में परिक्रमा की अवधि टी है, तो त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी, है ना। टाइम पीरियड पूछ रहा है कि अगर टाइम पीरियड टी है जब रेडियस आर है ना, जब रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, बोल रहा है त्रिज्या को चार गुना कर दिया गया, 4r कर दिया गया, है ना। तो बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो परिक्रमा अवधि है वो कितनी होगी, तो यहां से देख लीजिए T1 square upon T2 square कर लीजिए, प्रोपोर्शनल है तो यहां पे R1 cube upon R2 cube कर लीजिए, ठीक है। यहां पे R1 क्यूब तो R1 ही था, R2 क्यूब हो गया 4 का मतलब 64, 4 का क्यूब मतलब 64, और मैं R1 क्यूब कर दूं अब इसको, ठीक है, क्योंकि R2 कितना था, R2 अब 3 R1 है, ठीक है। यहां से R1 क्यूब R2 क्यूब कट गया, बचा क्या, यहां से अगर मैं लिखूं तो T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे बचा 64 T1 का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा T2, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8T1 आ जाएगा, 8T1 आ जाएगा, T2 8T1, T1 कितना पहले की समय अवधि थी, T2 नई समय अवधि है, मतलब समय अवधि कितनी हो गई, 8 गुना हो गई, 8T समय अवधि हो गई, ठीक है। तो आप याद रखेंगे केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स का थर्ड लॉ या केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि द चोक यूज्ड विथ अ ट्यूब लाइट इज बेसिकली, ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। आपने देखा होगा घर में इस तरह का ट्यूब लाइट का कुछ बोर्ड होता है जिसमें इस तरह से आपकी रॉड लगी होती है ना, ट्यूब लाइट की रॉड इस तरह से लगी होती है, यहाँ पे एक देखा होगा छोटा सा चोक लगा होता है ना, ट्यूब लाइट पे एक चोक लगा होता है, उसी को पूछ रहा है कि वो जो चोक है, जो आप चोक कहते हो, वो बेसिकली होता क्या है, तो वो एक इंडक्टर होता है, क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, एक प्रेरक होता है, एक इंडक्टर होता है, ठीक है। कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या रजिस्टर तीनों में से नहीं होता है, याद रखेंगे इंडक्टर होता है, ठीक है। इंडक्टर मतलब कि कुछ इस तरह की कॉइल होती है, कुछ इस तरह की कॉइल होती है, स्पाइरल कॉइल होती है, स्पाइरल एक कॉइल होती है जिसे इंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये करना क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एसी को ब्लॉक करना, अल्टरनेट करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है इंडक्टर, और डीसी करंट को फ्लो होने देता है, डायरेक्ट करंट को क्या होने देता है, फ्लो होने देता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, चोक के फॉर्म में किया जाता है ट्यूबलाइट्स में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे।
चलिए द बाइफर्केट स्केल इज यूज इन ब्यूफर्ट स्केल, है ना, ब्यूफर्ट स्केल का यूज किस में किया जाता है, ब्यूफर्ट स्केल या पैमाने से क्या मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं, पर्वतों की ऊंचाई या विंड वेलोसिटी हवा की गति या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता। तो क्या नापते हैं ब्यूफर्ट स्केल से, ब्यूफर्ट स्केल से हम नापते हैं हवा की गति, है ना, विंड वेलोसिटी नापते हैं ब्यूफर्ट स्केल से, हम क्या नापते हैं ब्यूफर्ट स्केल से, आप याद रखिएगा विंड की वेलोसिटी नापी जाती है ना, विंड की वेग, हवा की गति या वेग नापा जाता है, विंड वेलोसिटी नापी जाती है ब्यूफर्ट स्केल से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कहीं आपने इस चीज को अभी नहीं सुना होगा या सुना होगा तो बहुत ही कम बच्चे हैं, डेफिनेटली बहुत ही कम बच्चे होंगे जो ब्यूफर्ट स्केल के बारे में सुने होंगे। याद रखना है ब्यूफर्ट स्केल क्या नापने में काम आता है, विंड वेलोसिटी नापने में ब्यूफर्ट स्केल का काम होता है। यहां पे एक सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट और बना हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग used for comparing the luminous intensity of two sources of light is, प्रकाश के दो स्रोतों की चमकदार तीव्रता की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण किसे कहा जाता है, प्रकाश के दो स्रोतों की चमकदार तीव्रता की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण किसे कहा जाता है, पाइरोमीटर को या फोटोमीटर को या एल्टीमीटर को या अमीटर को, पाइरोमीटर, फोटोमीटर, एल्टीमीटर या अमीटर, तो इसको क्या बोला जाता है, किन्हीं भी दो विचल लुमिनस इंटेंसिटी नापने के लिए क्या बोला जाता है, फोटोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फोटोमीटर कहते हैं, ये फोटोमीटर का ही बना हुआ है, है ना, ये एक डिजिटल फोटोमीटर है, एक ये डिजिटल फोटोमीटर यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसको लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी कंपेयर करने के लिए, है ना, किन्हीं भी दो सोर्स ऑफ लाइट, दो प्रकाश के स्रोतों का लुमिनस इंटेंसिटी, उनकी चमकदार तीव्रता के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, है ना, उनके तुलना करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फोटोमीटर कहते हैं ना, फोटो से ही समझ लीजिए, फोटोन, कुछ फोटोन टाइप का, फोटोन किस में होता है, लाइट में होता है, तो कुछ ये जो इंस्ट्रूमेंट है फोटोमीटर, ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कि लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, तो थोड़ा तो आप अपने लॉजिक से भी कर लेते हैं, लेकिन याद रखना भी सबसे अच्छी बात है कि अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट और दे दिया कि भाई वो भी लाइट से ही रिलेटेड है और आपको नहीं पता है उनके बारे में, तब आपको याद होना जरूरी है कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था फोटोमीटर की, जो लुमिनस इंटेंसिटी को क्या करने में, कंपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है किन्हीं भी दो लाइट सोर्सेस की, ठीक है। चलिए, अ माइक्रोफोन डिजाइन टू बी यूज्ड अंडर वाटर फॉर रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड, एक माइक्रोफोन जिसे पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए पानी के नीचे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक माइक्रोफोन जिसे पानी के नीचे आवाज को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल किया जाता है, ग्रामोफोन, नहीं भाई बिल्कुल ग्रामोफोन गाना सुनने में यूज होता है, सोनार, नहीं सोनार भी नहीं यूज होता है, हाइड्रोफोन हो सकता है, रडार भी बिल्कुल नहीं होता है, रडार तो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है ना कि रडार में, है ना, सोनार क्या होता है, सोनार नीचे की ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने में यूज किया जाता है, सोनार की, है ना, पानी के नीचे क्या है, एकदम नीचे सतह पे क्या है उसको पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है सोनार का, तो सोनार भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हाइड्रोफोन क्या है, ये हाइड्रोफोन का यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोफोन है, ये एक तरह से देखिए यहाँ पे माइक जैसा कुछ बना हुआ है, हाइड्रोफोन, है ना, ये क्या किया जाता है पानी के नीचे, है ना, अंडर वाटर फॉर रिकॉर्डिंग अंडर वाटर साउंड, पानी के नीचे की जो आवाजें, ध्वनि है जो पानी के नीचे, तो माइक्रोफोन जो यूज किया जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोन हम कहते हैं, ठीक है, उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर क्वांटिटीज ऑफ हीट इज कॉल्ड, ऊष्मा की मात्राओं को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर भी नहीं बोला जाता, विंड वेलोसिटी नापा जाता है, लैक्टोमीटर मिल्क से रिलेटेड चीज है, बैरोमीटर है प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर नापने के लिए, है ना, दाब नापने के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे, कैलोरीमीटर यूज होगा, आंसर तो मैंने केवल उसी से कर लिया बिना, अगर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इतने इंस्ट्रूमेंट्स तो पता हूं कि यार आपको आंसर नहीं पता है तो तीन इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग ही पता है कि ये किस में यूज होता है, तो यार बचा कुचा चौथा भले मैं नहीं जानता लेकिन आंसर का क्वेश्चन का आंसर तो वही है, ठीक है, तो आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलोरीमीटर याद रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी ऑफ हीट नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी ऑफ हीट नापने के लिए, ऊष्मा की मात्राओं को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एन अपैरेटस यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन पर चित्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए, देखिए बहुत पुराने जमाने का एक प्रोजेक्टर टाइप से यहाँ पे बना हुआ है जो स्क्रीन पे हमें पिक्चर दिखाता था, जो
स्क्रीन पे हमें पिक्चर दिखाता था, तो स्क्रीन पर चित्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ नहीं, बिल्कुल नहीं, फोटोग्राफ नहीं कहा जाता है, ठीक है। सिनेमेटोग्राफ हो सकता है, वीडियोग्राफी ये भी हो सकती है, एंड स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, वीडियोग्राफी जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था कि वीडियोग्राफी जैसी कोई चीज़ है, अगर थोड़ा सा भी आप सेंस लगाओगे तो बहुत ही फर्जी सा नाम है, वीडियोग्राफी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे वीडियोग्राफी बेसिकली अगर मैं कहूँ भी तो किसको होता है, वीडियो शूटिंग को वीडियोग्राफी आप बोल दो, ठीक है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सिनेमेटोग्राफ है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, सिनेमेटोग्राफ। ये क्या है, एक सिनेमेटोग्राफ। यहाँ पे फोटो बना, ये देखिए यहां से कुछ ऐसा रोशनी टाइप का आती है, और जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स पे आप क्या देख पाते हो, आप मूवी आराम से देख पाते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिनेमेटोग्राफ होगा, एन अपैरेटस यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर देखेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड, हवा की गति दिशा और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण कहा जाता है, सबको रटा हुआ है ये, एनीमोमीटर। इसका आंसर क्या है, एनीमोमीटर है, एल्टीमीटर, कैलोरीमीटर, कैलिपर्स आप कुछ नहीं देखोगे, आप ऑप्शन भी नहीं देखोगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना, आप सिर्फ ढूंढोगे कि यार ऑप्शन में, चार ऑप्शन में एनीमोमीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन सा था, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट हो चुका है। तो एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक एनीमोमीटर का एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ये तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए फिगर्स डाल दिया हूँ कहीं कहीं पे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एनीमोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, विद्युत प्रवाह की ताकत को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहा जाता है, ए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन है अमीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर एंड पाइरोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन 38 क्वेश्चन एंड 39 क्वेश्चन थोड़ा साथ में करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो अभी 38 क्वेश्चन था इसमें क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह की ताकत, है ना, यहाँ पे विद्युत प्रवाह की ताकत मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, एंड 39 क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, यहाँ पे ताकत नहीं नापना है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को मापने के, विद्युत प्रवाह को मापना है, ठीक है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि जब आपको स्ट्रेंथ नापनी होगी, जब आपको स्ट्रेंथ या ताकत नापनी होगी विद्युत प्रवाह की, तो वहां पे अमीटर इस्तेमाल होता है, अमीटर इस्तेमाल होता है। ये तो डिवाइस है, इसमें ए लिखा है ना, यही बताएगा कि ये डिवाइस अमीटर है, ठीक है। तो ये तो फोटो है डिवाइस की, लेकिन आपको याद रखना है ये डिवाइस पेपर में नहीं बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नापने के लिए, स्ट्रेंथ जब नापते हैं, जब हम विद्युत प्रवाह की ताकत नापते हैं तो उसमें अमीटर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम सिर्फ विद्युत प्रवाह नापते हैं, विद्युत प्रवाह की ताकत नहीं नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की ताकत नहीं नापते, इलेक्ट्रिक करंट बस नापते हैं, तब जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर और अमीटर के बीच में, गैल्वेनोमीटर और अमीटर के बीच में यही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूज होगे कि यार गैल्वेनोमीटर कब हम मार्क करते हैं ऑप्शन में और कब अमीटर मार्क करते हैं, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नापने के लिए अमीटर और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये 200th क्वेश्चन है अपना, इसके बाद हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। 200 क्वेश्चन की यहाँ से सीरीज खत्म हो जाएगी और बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ हम इसको खत्म करेंगे कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है, है ना, जो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करे, उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, डायोड या ट्रांसफार्मर, तीनों ऑप्शन गलत है, आंसर क्या है, डायनमो, क्या कहते हैं इसको, डायनमो। यहाँ पे एक ये मोटर बना हुआ है, डायनमो मोटर यहाँ पे बना है जो मैकेनिकल एनर्जी को, जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स के वो 200 क्वेश्चंस थे, मैंने लगभग जितना भी फिजिक्स के चैप्टर है, जितना भी सिलेबस है एसएससी सीजीएल का फिजिक्स का, तो लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के कोई भी एकदम इजी सा क्वेश्चन नहीं लिया, या इजी सा क्वेश्चन लिया भी तो वो इस हिसाब से लिया कि वो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है,
तो वो जिसको एक भी किसी बच्चे को अगर वो क्वेश्चन नहीं पता है तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट वो गलत करके ना आए। तो मैंने पूरी मेहनत की है ना ये 200 क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं तो मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सारी सीरीज देखें, 1 to 5 जितने भी लेक्चर्स हैं बेस्ट 200 का। इससे बेटर कोई मेथड नहीं है आपको अपनी पूरी फिजिक्स रिवाइज करने का, ठीक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसे सभी लोग देखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मे बी मैं केमिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज लेकर के आऊँ MCQ सीरीज की। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।